नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं क्लॉब जी क्रीम के बारे में। तो गाइस, इस क्रीम के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी और जानेंगे इसके यूजर्स, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में। सो गाइस, ये क्रीम हमारे क्लेम करती है कि हमारे फेस को जल्दी से जल्दी गोरा बनाती है। तो गाइस, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। और फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की। तो गाइस, इसमें इंग्रेडिएंट्स के तौर पर क्लोबेटासोल प्रोपेनेट जेंटामाइसिन सल्फेट का यूज किया है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके यूजेस की कि इसका यूज हमारे फेस पर किस लिए किया जाता है। तो गाइस, इस क्रीम का यूज किया जाता है हमारे फेस को जल्दी से जल्दी गोरा बनाने के लिए, यानी कि ये एक फेयरनेस क्रीम है जो कि हमारे फेस को गोरा बनाने के लिए यूज की जाती है। और गाइस, बात करें इसकी क्रीम की कंपनी की, तो गाइस ये लीवा हेल्थ केयर कंपनी की तरफ से मार्केटेड की जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस क्रीम के बेनिफिट्स के बारे में। तो गाइस, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इसका बेनिफिट्स हमारे फेस पर यह है कि जब हम इसका नाइट में यूज करते हैं, यानी कि इस क्रीम को हमें रात में ही यूज करना है, इस क्रीम को हम दिन में बिल्कुल भी लगा नहीं सकते। सो गाइस, ये क्रीम हमारे फेस को जल्दी से जल्दी गोरा भी बना देती है, यानी कि जैसा कि क्लेम करती है हमारे फेस को गोरा बनाने का, तो ये हमारे फेस को जल्दी से जल्दी गोरा भी बना देती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके क्रीम की कि इसकी क्रीम कैसी निकलती है। तो गाइस, इसकी क्रीम निकलती है व्हाइट कलर की और पूरी तरीके से प्योर व्हाइट कलर की क्रीम है। सो गाइस, इसकी स्मेल की बात करें तो इसके अंदर हमें केमिकल्स के जैसी स्मेल आती है, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके कंपोजिशंस की कि इसमें कितने परसेंट यूज किए हैं। तो गाइस, इसमें क्लोबेटासोल प्रोपेनेट आईपी 0.05% का यूज किया है, इक्विवेलेंट टू जेंटामाइसिन 0.10% का यूज किया है। अब दोस्तों, बात करते हैं फाइनली इस क्रीम के हमारे फेस पर क्या कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। तो गाइस, इस क्रीम का जब हम लगातार यूज करते रहेंगे लगभग एक महीने तक, तब हमारे फेस तक कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसका 3-4 महीने तक रेगुलर यूज कर लेंगे और फिर इसका लगाना छोड़ देंगे अपने फेस पर, तब आपको इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और गाइस, सबसे ज्यादा खास बात आपको ये रखनी है कि जब आप इस क्रीम का यूज करें तो आप बिल्कुल भी धूप में ना जाएं। अगर आप बिल्कुल भी धूप में जाएंगे तो हो सकता है आपके फेस पर साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ऐसी क्रीमें साइड इफेक्ट करती हैं और वो दोस्तों धूप में, यानी कि जो सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेस है उनसे रिएक्ट करती हैं और हमारे फेस पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम करती हैं और साथ ही साथ दोस्तों ईचिंग की प्रॉब्लम भी हमारे फेस पर हो जाती है। तो गाइस, इस प्रकार ये क्रीम है और इस प्रकार ये वर्क करती है। तो गाइस, अब आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इस क्रीम के कारण हमारे फेस पर किस प्रकार साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सो गाइस, अगर आपने कभी इस क्रीम का यूज किया है तो गाइस, अगर आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। और आई होप दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक ठोक के जाइएगा, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।